तो दोस्तों स्पाइसजेट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी, कंपनी के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी के फंड रेज को लेकर भी। जी हाँ, कंपनी फंड रेज भी आज करने वाली थी, तो कंपनी की तरफ से फंड रेज का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कंपनी 32 करोड़ के आसपास का इक्विटी शेयर है वो कंपनी आपको वारंट के थ्रू बेचने जा रही है, जो कि 50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी की तरफ से फिक्स किया गया है। तो वारंट के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ के आसपास कंपनी का फंड रेज करने जा रही है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया गया, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया थे 1917 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1897 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 1347 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास की गिरावट है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 2069 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2935 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2175 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे हैं जो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में आपको थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले कंपेयर टू पिछले साल। पिछले क्वार्टर कंपनी का जो अदर एक्सपेंस है वो आपको इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिला है पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 197 करोड़ के आसपास था, पिछले साल कंपनी 833 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 449 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको साल दर साल देखें तो थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो कंपनी मुनाफे से घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिल रही। EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3.28 रुपये का, पिछले साल 13.5 रुपये के आसपास माइनस का था, अभी देखें तो 7 रुपये का माइनस में आपको देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि 60 रुपये के आसपास के शेयर पे 7 रुपये का माइनस का EPS थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि शेयर के अंदर एक तेज़ी भी आपको पिछले कई समय से आप देखने को मिल रही है। अब वो तेज़ी इसलिए भी थी क्योंकि कंपनी फंड रेज करने जा रही थी और कंपनी का फंड रेज का जो डिसीजन है वो तो ले लिया गया है, देखते हैं नंबर्स के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन ऑलरेडी शेयर पिछले कई दिनों से भाग चुका है तो हो सकता है कि ऊपर के लेवल से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।